जो जिसकी गाड़ी है उसे आसपास भी नहीं होना चाहिए, पूरा बहुत लगता है देखने में, और उंगली भी करते हैं क्यों, यही बोल रहे हो ना तो मन में। क्या चेंजेस कर बोल दिया भाई, मैंने तो छोटा सा चेंज बोला है। छोटा सा चेंज नहीं बोला, बहुत बड़ा चेंज बोल रहा है। ये भाई हम लोग के पैनल्स वेलवेट में हो गए हैं। पैनल नहीं है ये, ऑडी है। तो पिलर है, ऑडी है, ऑडी खुली हुई, ऑडी A6 देखो आप भाई। कौन कौन से पार्ट हो गए, ये पिलर हो गए, ये हमारे परवेज भाई लगे हुए हैं, ये सेंटर कंसोल है ना भाई, और ये पीछे की ट्रे। भाई काम चल रहा है बढ़िया, अभी सीट कवर्स और रह गए वो चीज। तो गाइस हमारी गाड़ी पे अभी PPF चढ़ना चालू हो गया है, और आप देख सकते हो बढ़िया ब्लैक कलर का PPF है। मेरे थानेश्वर भाई लगे हुए हैं यहाँ पे। क्या देख रहा है भाई तू, आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। अंदर का भी सेंटर कंसोल जहाँ तक है अभी प्रॉपरली हो गया है बस, और अभी ये साइड का ग्लोव बॉक्स, यहाँ का जहाँ से लाइट्स और ये सब होता है, ये सब लगेगा अभी। ये पूरी गाड़ी खुली हुई है, ओहो देख के बड़ा गंदा लगता है यार ऐसे गाड़ी को। ओनर्स को होने ही नहीं चाहिए गाड़ी के आसपास, क्यों भाई, जो जिसकी गाड़ी है उसे आसपास भी नहीं होना चाहिए, पूरा बहुत लगता है देखने में, और उंगली भी करते हैं क्यों, यही बोल रहे हो ना तो मन में। तो हम आ गए अपनी सीट्स देखने भाई परवेज भाई के पास। परवेज भाई क्या कर रहे हो यार, ये भाई आपकी गाड़ी का ही कवर बन रहा है। ये काहे के लिए, ये टेका आपका पीछे अच्छा। का बैक पोजीशन होती है, और ये पीछे वाली सीट हमारी अभी वैसे कंप्लीट हुई नहीं है, बट तब भी आप फिनिशिंग देखो, बहुत बढ़िया फिनिश आई है। बीच में वेलवेट है और ये चीज़ है। मैं आपको आगे वाली सीट तो कंप्लीट हो चुकी है तो वो मैं दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये सीट अपनी कंप्लीट हो चुकी है जहाँ तक है, बस इसके साइड के पैनल जो पेंट होने गए थे, जो जिसमें बटन वटन होता है वो चीज़ वो बची हुई है, बाकी तो सब हो गया है। आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, ओहो बिल्कुल टाइट शानदार। भाई ये हम लोग का आज फिटिंग का दिन आ गया है, और आप देख लो सब कुछ हो चुका है। ये मेरी छत, ये छत है भाई हमारी, और थोड़ा बहुत बचा हुआ है अभी भी। और भाई ये देखो, ये देखो भाई, देखो रूफ हो चुकी है, और ये हमारे फिरोज भाई लगे हुए हैं अभी भी। फिरोज भाई और क्या क्या बचा है अभी, इसकी और फिटिंग बाकी है। तो कब करोगे यार, ये पैनल अभी हो रहे हैं, पैनल अभी हो गए थे, लेकिन जो घर की गाड़ी होने का ये भी ड्रॉबैक है कि बड़े आराम आराम से होती है। पैनल हो चुके थे लेकिन आपने उसके अंदर और चेंजेस करे हैं, इस वजह से हमें अभी और देर होगी। क्या चेंजेस कर बोल दिया भाई, मैंने तो छोटा सा चेंज बोला है। छोटा सा चेंज नहीं बोला, बहुत बड़ा चेंज बोल रहा है। तो भाई व्यूअर जानना चाह रहे हैं कि कौन सा चेंज बता तो दो अब भाई। सस्पेंस काय का सस्पेंस, कुछ चेंज हो भाई पूरी मतलब वेलवेट, मैंने क्या है डोर्स पे वो जो एक 3 टोन कलर आ रहा था तो उसको हम लोगों ने चेंज करा के अपना वेलवेट उसको भी करा दिया, और कंसोल के लिए भी हमने कुछ ना कुछ सोचा है क्योंकि इसका भी कलर थोड़ा सा ऑड जा रहा था। सीट बेल्ट का भी हम लोगों ने करा दिया है, वो भी अभी होगा। कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है। हाँ कैमरा कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, एक तो यार ये दिक्कत है, ज़्यादा अच्छे कैमरे होने भी नहीं चाहिए। और ये देखो मैं आपको पूरी गाड़ी का एक लुक दिखाता हूँ। ये हमारी सीट रखी हुई भाई, ये अभी फिट हो जाएगी भाई। ये कौन बोल सकता है कि गाड़ी रैप या इस पे PPF हुआ है। रैप नहीं, कलर ही लग रहा है वो तो, है ना। देखो रैप में और PPF में अंतर तो है भाई, बहुत बड़ा अंतर है, है ना। और ये शायद कोई समझ भी नहीं पाए जब तक देख नहीं होगी, देखेगा नहीं। सही बात है भाई, क्वालिटी देखो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि यार ये रैप वैप है, ये PPF है, क्योंकि PPF का एक अलग ही मज़ा है। अभी साफ होने के बाद ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी गाड़ी। हाँ तो ये भाई हम लोग भोपाल में हैं, और MP नगर में
भाई की दुकान का नाम है सेठ सन्स, अंकित भाई की दुकान है। तो यहाँ पे आप कभी भी ऐसा कुछ काम कराना हो मेजर, तो अंकित भाई मतलब बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मतलब आप रिलाई कर सकते हो। हाँ ये बात भी है कि भाई आपका मूड इतना हो जाएगा, काम चल रहा है गाड़ी में हमारी। तो भाई हम लोग वही वाली चीज़ है कि अब सीट्स का वेट कर रहे हैं कि सीट्स के बाद कैसा। देखो अभी इंटीरियर में थोड़ा सा बेज इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो उसका बॉटम वाला पार्ट है ना वो हम लोगों ने इसलिए छोड़वा दिया क्योंकि वो क्या है मोल्डिंग के साथ लगता है, तो उसको छिड़कानी ना करें। और 70 मैट्स हम लोग लगा देंगे तो वो वैसे भी छुप जाएगा, तो उसमें कुछ कराने का मतलब नहीं था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये तो मैटिंग वैसे भी किसी काम की नहीं रह गई, और ये जो चीज़ है इसको आप छिड़वाना, मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि यार ऐसी चीज़ों में कोई छेड़ करनी चाहिए क्योंकि कंपनी फिटेड रहता है। और वो कोई भी बोल दे कि यार मैं ऐसा करके दे सकता हूँ, बट वो नहीं हो पाता भाई, है ना, वो चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं उसमें, तो हम लोगों ने तो उसको छेड़ा भी नहीं। और भाई हम लोग आते ही हैं, तो मैंने वही बोला ना कि आप नहीं भी आओगे कुछ काम कराने तो कुछ ना कुछ तो आप करवा ही लोगे। अब जैसे हम लोग आए तो हम लोग फिल्म ही लगाने लग गए आगे फ्रंट स्क्रीन पर, सब करवा देंगे भाई, सब करवा ही रहे हैं यार। देखो आप करवा ही रहे, कुछ छूटता ही नहीं है, यहाँ पे आओ तो कुछ ना कुछ करवा ही लेते हैं चीजें। हाँ मतलब जबरदस्ती हो रहा है सही में यार। ये यहाँ पे अंकित भाई की दुकान पे मेट्रो का काम चल रहा है, तो पार्किंग की थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत है क्या? दिक्कत है नहीं भाई, पर व्यवहार इंजन के जैसे जो लोगों के लिए व्यवहार होते ना, तो उन लोगों की गाड़ी देखो ऐसे अंदर लग जाती है ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल। बाहर से ही लगा रहे हैं क्या? ब्लैक फिल्म ही होती है भाई। देखो चालान अपनी जगह है बट ब्लैक फिल्म तो है। क्यों बबलू भाई? जी सर। ये बैजिंग भी लग चुकी है अभी गाड़ी पे, और अब अंदर का थोड़ा सा इंटीरियर क्लीन हो रहा है। तो गाइज़ आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था क्योंकि गाड़ी में बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, तो हम लोग इंटीरियर क्लीन करा रहे हैं। और गाइज़ फिर हम लोग इस व्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं, तो भाई जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी कर लो। चलो गाइज़ इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं।